हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। गाइस अभी टाइम हो रहा है शायद सुबह के 7, और गाइस आज मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर को, जो कि यहाँ से अराउंड 300 किलोमीटर है। देहरादून को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। पांवटा साहिब इज 48 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। यहाँ से पांवटा साहिब, नाहन, नारायणगढ़, रायपुर रानी, पंचकुला, पिंजौर, बद्दी, नालागढ़, उसके बाद रामशहर। भाई इतना लंबा रास्ता है, तो चलो देखते हैं कितना टाइम में कवर कर पाते हैं। मौसम भी अच्छा है, धूप भी नहीं है, बट बारिश का डर है थोड़ा सा। देखते हैं, अगर बारिश ना हो तो बेस्ट रहेगा, बाकी देखते हैं फिर जैसे बनता है। गाइस देवभूमि उत्तराखंड में पधारने के लिए हमारा धन्यवाद। चलते हैं। ओ यार, लुक एट द नज़ारा, रिवर और ऊपर से इतने अच्छे अच्छे बादल। वाओ यार, आई थिंक यहाँ पांवटा साहिब में तो अभी भी जस्ट बारिश रुकी ही है, ऐसा लग रहा है। अभी पूरे रोड के अंदर पानी पानी है। एंटर हो चुका हूँ पांवटा साहिब के अंदर। पांवटा साहिब के अंदर मतलब कि हिमाचल के अंदर। अब तक मैं था उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर लिखा है गुरुद्वारा साहिब चंडीगढ़ नाहन 45 ना। जस्ट अभी मैं पहुंचा नालागढ़ में आके, और गाइस रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं कंटिन्यू चलता रहा। टाइम हो चुका है 2, और जस्ट मैं निकला था वहाँ से 8 बजे के करीब। सो गाइस अभी जाके भूख भी लग गई थी थोड़ी बहुत, गाइस चाय तक पीने का ब्रेक नहीं लिया। चलो गाइस खाते हैं कुछ। फाइनली मैं घर में पहुंच चुका हूं, एंड इट्स अराउंड 4 o'clock। आज यार बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे रास्ते में, क्योंकि पूरा रास्ता भर बारिश हो रही थी और ऊपर से पानी भी, और शूज़ सब मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा पानी से भर चुका था मैं भी, लाइक अ भीगी बिल्ली। एक्चुअली गाइज मुझे आज के आज ही घर पहुँचना था, क्योंकि कल मेरी भांजी का नामकरण है। गाइज मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। सो Till then, bye-bye.